तुम्हारे माँ बाप तो एवन है, एवन है नहीं, मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मुस्लिम युवती ने धर्म बदलकर हिंदू युवक से शादी की है। बिश्नौर की रहने वाली 21 साल की युवती सोमवार को बरेली के अगस्त मुनि आश्रम मंदिर में धर्म परिवर्तन कर अमरीना से राधिका बन गई, जिसके बाद युवती ने अपने प्रेमी पप्पू कोरी से मंदिर में शादी कर। अगस्त मुनि आश्रम के आचार्य पंडित के शंकरधार ने ही दोनों का हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में विवाह संपन्न कराया। अमरीना और पप्पू की दोस्ती और कहानी भी काफी दिलचस्प है। दोनों की दोस्ती एक मिस कॉल से शुरू हुई थी। अमरीना ने दोनों की दोस्ती की दास्तां भी बताई। उसका कहना है कि अक्टूबर 2020 में घर पर मोबाइल पर एक अनजान युवक की कॉल आई और उसके बाद में जब कॉल बैक की तो पप्पू ने जवाब दिया। दूसरी ओर पप्पू का कहना है कि गलती से कॉल लग गई थी और एक मिस कॉल से दोस्ती शुरू हो गई। समय के साथ साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। पप्पू बरेली से सटे रामपुर के एक गाँव का रहने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी के बिश्नौर के सादात कोतवाली क्षेत्र के कुलारखी की रहने वाली अमरीना उर्फ राधिका का कहना है कि वो बालिक है और अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। उसने कहा कि आधार कार्ड में उनकी जन्म तिथि 9 अगस्त 2000 है। क्या नाम है आपका? राधिका। इससे पहले क्या नाम था? अमरीना। अमरीना, ये बताओ आज आपने किससे शादी करी, पूरी बात बताओ। जी, अपने शोहर से शादी करी। अच्छा जी, किससे, क्या नाम है इनका? पप्पू जी। अच्छा, कैसे, इनसे कैसे आपकी मेल जोल हुआ, कैसे बातचीत हुई? मैंने इनके पास फोन किया था जब हुई, 2 साल हो गए। 2 साल से? जी। अच्छा, तो हिंदू लड़के से ही शादी क्यों करी, क्या वजह है? हमारे यहाँ पे तलाक दिए जाते हैं ना, तो इसलिए शादी की। अच्छा जी। और हिंदू धर्म अच्छा लगता है आपको? जी, हिंदू धर्म में आस्था है आपकी। जी। 2 साल से बात कर रहे थे आप? हाँ जी। अच्छा, कैसे मुलाकात हुई थी आप लोगों की, आस पास ही रहते हो क्या? नहीं। आप कहाँ रहते हो? मैं कोतवाली रहती हूँ, बिजनौर के दौरे। अच्छा, और ये कहाँ रहते हैं? मनगर, बोल देना। रामपुर। रामपुर शाहबाद रहते। तो दोनों लोग बहुत दूर हो, कैसे मुलाकात हुई, कैसे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ? इन्होंने फोन किया था जब हुई। कैसे, जानते थे क्या है? युवती अमरीना उर्फ राधिका का कहना है कि उसके परिवार वाले लगातार उसे धमकी दे रहे थे। उसका कहना है कि प्यार की खातिर उसने अपना घर, धर्म और परिवार सब कुछ छोड़ दिया। वो अब हमेशा हिंदू बनकर रहेगी। हिंदुओं में 3 तलाक नहीं देते और यहाँ तो पता ही नहीं 3 तलाक देकर घर से कब निकाल दिया जाए। इतना ही नहीं, इसके अलावा अमरीन का कहना है कि पड़ोस की रहने वाली युवती जिसका निकाह 5 साल पहले हुआ था, पति ने उसे पीट कर 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया था। अब मैं बालिक हूँ और अपनी मर्जी से मैंने शादी की।